हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर पार्ट थ्री ऑफ क्लास 11 फिजिक्स एंड वी आर कंटिन्यू एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. ओके, एंड हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन बेटा. ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन विशेज टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू ए होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे. क्लियर, एक पैसेंजर है, वो एक नए टाउन में मतलब जाता है और स्टेशन से होटल 10 किलोमीटर दूर है. ठीक है, स्टेशन से जो स्ट्रेट रोड है. ए डिसहोनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग ए सर्कटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेज द होटल इन 28 मिनट. एक मतलब बेईमान कैबमैन था, उसने क्या किया, जो 10 किलोमीटर का रास्ता था उसको उसी मतलब होटल में 23 किलोमीटर का पाथ कवर करा दिया, मतलब लंबा रास्ता कवर कराया और टाइम लिया 28 मिनट. तो बच्चे आपको बताना है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी, जो आपकी एवरेज स्पीड टैक्सी की वो बतानी है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. क्लियर, जो वेलोसिटी है उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है और आपको ये बताना है क्या दोनों इक्वल होंगी. सो बच्चे देखो, इक्वल तो हो ही नहीं सकते बिकॉज एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करता है, हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है. तो एक्चुअल पाथ इसने कितना कवर करा, 23 किलोमीटर, तो स्पीड तो हम उससे निकालेंगे और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी. शॉर्टेस्ट पाथ कितना है हमारा, 10 किलोमीटर है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते. तो चलिए बेटा जी इसको सोल्व करते हैं हम. ओके, हाँ जी, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स. हियर एक्चुअल पाथ इज, उसने रियल पाथ कितना कवर करा है बेटा, उसने एक्चुअल पाथ कवर करा है 23 किलोमीटर और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, दिस इज 10 किलोमीटर. इट मीन्स ये एक्चुअल पाथ हमारे पास क्या है, दिस इज डिस्प्लेस डिस्टेंस. क्लियर, ये हमारा डिस्टेंस है एंड दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज यू कैन से एंड यू कैन से. चलिए ये हमें गिवन है. ओके, टाइम कितना लिया बच्चे इसने, 28 मिनट. टाइम इज 28 मिनट, सो वी हैव टू चेंज इट एंड दिस इज बिकम 28/60, दैट इज इसको आफ्टर सॉल्विंग करते हैं, अगर कहीं कुछ सोल्व हो रहा है तो आई थिंक 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट इज 7/15 सेकेंड. ओके, हाँ जी, एक मिनट को हमने तो उसको मिनट में आवर्स में चेंज कर दिया ना, तो आवर हो जाएगा. सो हम एवरेज, पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल पाथ अपॉन टाइम. एवरेज में तो ये लगेगा एक्चुअल पाथ कितना है 23, टाइम कितना लिया है 7/15, तो 23 × 15 अपॉन 7, हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 3, 4, 5 और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, देन वी आर गेटिंग 49.28. ठीक है, सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर किलोमीटर पर आवर. क्लियर, अब हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, देन दिस इज बिकम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज 10. ओके, और टाइम तो वही रहेगा हमारा, कितना है तो इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ 15/7, तो ये हो जाएगा 150/7 और इसको हम डिवाइड करेंगे, देन वी आर गेटिंग 21.4 किलोमीटर पर आवर. क्लियर, ओके, समझ आ गया आपको. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. ये आपकी स्क्रीन पे है बच्चे. सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. जो रेन है वर्टिकली फॉल कर रही है एक स्पीड के साथ, वो है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, अ वोमेन है, एक राइड कर रही है बाईसाइकिल पे, मतलब बारिश में वो राइडिंग कर रही है साइकिल पे और साइकिल की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो हमें बताना है व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच सी होल्ड हर अम्ब्रेला, कि आप ये बताइए, बारिश आई हुई है, वर्टिकली आती है बारिश, तो आप ये बताइए वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड अप करें. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं.
So this is the solution of question number 12. So here we are having, चलिए देखिए बेटा, अब बेसिकली जो हमारी डायरेक्शंस होती है ना बेटा, वो ऐसे होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट मैंने अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इधर नॉर्थ लिया है, इधर साउथ लिया है, या आपकी चॉइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है बेटा। ये हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया, जो लेडीज़ है वो कैसे जा रही है बेटा नॉर्थ टू साउथ, तो ये ओरिजिन लिया हमने, तो ये लेडीज इस तरीके से जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बारिश ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, क्लियर, बारिश ऐसे नीचे की तरफ आ रही है और वो लेडीज ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है बेटा। चलिए तो वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप देखिए ये रेन है हमारी, तो रेन की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और जो लेडीज की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा इधर क्या रहेगा पॉजिटिव 10 i और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 30 j रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का 30 j रहेगा, तो ये हमारा रेन की स्पीड है vr, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और ये है हमारी वुमेन की स्पीड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा वो अम्ब्रेला को किस तरीके से होल्ड अप करेगी, वो इस तरीके से होल्ड अप करेगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल, क्योंकि ना वो जो बारिश है वो भी कंटिन्यू चल रही है और जो वुमेन है वो भी कंटिन्यू चल, दोनों क्या है मोशन में है, ठीक है, बस फर्क इतना है कि एक इस तरीके से चल रहा है और एक इस तरीके से, क्लियर, कैसे आ रहा है एक ऐसे और एक ऐसे, क्लियर। चलिए तो अब इसमें हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइएगा कि वो अम्ब्रेला को किस एंगल पे होल्ड अप करे, तो आपको पता है वर्टिकली होल्ड अप करेगी, तो किस तरीके से होल्ड अप करेगी बेटा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा उसी तरीके से होल्ड अप करेगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा वी आर बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो क्या हो जाएगा वी आर माइनस वी बी, तो माइनस 30 j, ये क्यों लिया मैंने j बेटा माइनस 30, बिकॉज ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो ये y एक्सिस का नेगेटिव है, तो माइनस 30 j माइनस 10 i, ठीक है, ये इधर वाला लिया, तो ये वो बनेगा हमारा कॉम्पोनेंट, क्लियर। अब इस ट्रायंगल को हम देखिए अलग से यहाँ पे निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ये हमारा ओरिजिन है, ये a दिस इज द रेन एंड दिस इज द वुमेन, बी ए फॉर वुमेन के लिए लिया है, और ये हमारा आ गया वो भी रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए तो हमें यहाँ पे टेन थीटा निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास जो ट्रायंगल उसके हिसाब से, तो बेटा देखिए ये टेन थीटा है, तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना बनेगा 90 का बनेगा, ठीक है, तो हमें पता है थीटा वाला हमारा क्या होता है बेस होता है, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी ए, बेस क्या है ओ ए, ठीक है, 10/30 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है, और इसको आप थीटा हमारा आ जाएगा, इसको आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हो लॉग टेबल की हेल्प से भी, तो ये आ जाएगा 18.43 डिग्री, तो उसको अम्ब्रेला किस तरीके से होल्ड अप करना पड़ेगा 18.43 एंगल पे होल्ड अप करना पड़ेगा विद वर्टिकल पोजिशन, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए बेटा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक मैन है, एक आदमी है, वो स्विमिंग कर रहा है स्टील वाटर में, मतलब कि पानी खड़ा है, चल नहीं रहा है पानी, ठीक है, और स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर उस इंसान के, जब वो पानी खड़ा है आराम से, मतलब पानी नदी का फ्लो नहीं कर रहा है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग टेक ही लॉन्ग टेक्स टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड, जो रिवर है 1 किलोमीटर चौड़ी है, इफ़ द रिवर फ्लो स्टेडली, अगर जो फिर उसके बाद ना रिवर के जो पानी ने फ्लो करना शुरू कर दिया इतनी स्पीड पे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ही मेक्स इज स्टॉक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, तो वो क्या कह रहा है अब भी वो मतलब अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, वो उतनी ही स्पीड पे ईजिली मूव कर रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर की स्पीड पे, क्लियर, क्योंकि 3 किलोमीटर तो उसकी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर तो रिवर की हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर खुद का एफर्ट लगा, मतलब स्पेशली कोई एफर्ट फ्लो प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ही मेक्स इज स्ट्रोक नॉर्मल टू रिवर करंट, ठीक है, तो वो आराम से उसके साथ साथ मतलब जिस बहाव में नदी जा रही है ना उसी बहाव में ईजिली उसके साथ स्विमिंग कर रहा है, क्लियर। अब हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, कि वो कितना दूर जाएगा जब वो नदी के किनारे पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा और वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ
क्वेश्चन नंबर 13, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम बनाया बेटा। अब मान लो वो आदमी यहाँ खड़ा है, क्लियर, ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये नदी है हमारी, ये उसका एक किनारा है। फिर क्या कह रहा है वो कि वो इस बैंक पे जाना चाहता है। तो जब स्टील वाटर था, पानी खड़ा था, तब तो वो इजीली 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे इजीली चला जाएगा। लेकिन जब पानी बह रहा है, तो आप देखिए मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है और इधर पानी से फ्लो कर रहा है, तो सीधा थोड़े ना जा पाएगा, क्योंकि पानी भी उसको धक्का मारेगा अपनी तरफ से। तो वो ऐसे उस मतलब दूसरे किनारे पर नहीं पहुँच पाएगा, वो इस तरीके से पहुँचेगा, क्लियर। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है, जब पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फाइनल पॉइंट है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, क्लियर, और उसने कितना टाइम लिया, वो हमें निकालना है, क्लियर। जब पानी खड़ा था तो वो सीधा चला गया, क्योंकि पानी अपना कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा, तो हम इजली चले गए यहाँ पर। लेकिन जब पानी इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, जब पानी इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तब आप ये बताइए, अगर आपको कोई भी चीज़ आपको ऐसे जाना है यहाँ से, तो आप ऐसे जब चलने की कोशिश करोगे तो पानी का फ्लो आपको इस तरीके से फोर्स लगाएगा और आप ऐसे पहुँचोगे। तो हमें इस पॉइंट पे जाना है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाई दे रही है। तो चलिए हमें पहले टाइम निकालना है। टाइम हमारा क्या होता है, तो टाइम आपको पता है कि जो ऐसे रिवर रेन, जो रेन वाले ऐसे वाले रिवर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो विड्थ होती है हमारी, जो विड्थ ऑफ रिवर होती है, उसी को हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ मैन, क्लियर। तो मैन की स्पीड तो फिक्स है, चाहे वो पानी में मतलब पानी स्टील है, मतलब पानी खड़ा है, या पानी फ्लो कर रहा है, रिवर चाहे रिवर का जो पानी है, चाहे वो स्टील है मतलब खड़ा है या चल रहा है, उसकी स्पीड फिक्स है 4 ही किलोमीटर, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर और स्पीड कितनी है आदमी की, 4 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/4 आवर, और इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4 × 60, दैट इज 15 मिनट, ठीक है, ये इसका टाइम आ गया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस मूव अलोंग द रिवर। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द रिवर इन टाइम टी। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, 3, टाइम कितना है 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 3/4, ठीक है। और 3/4 को हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75। अब ये किस में आया है आपका, किलोमीटर में आया है। तो अगर आप इसको मीटर में चेंज करते हो, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 750 मीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। इससे पहले मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में कराती हूँ। आप पहले 15 क्वेश्चन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। द सीलिंग ऑफ द लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई। जो छत है किसी भी होल की 25 मीटर हाई है, ऊंची है। तो हमें बताना है कि व्हाट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रो विद द स्पीड ऑफ, अगर कोई बॉल है इतनी स्पीड से हम उसको फेंक रहे हैं, तो उस सीलिंग को हीट किए बिना, छत को हीट किए बिना वापस आएगी, ठीक है। तो इसमें हमारी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, कितनी स्पीड है बॉल की, 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। और जो हाइट है वो दे रखी है 25 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा, हमें बॉल की स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, एच दे रखा है 25 मीटर, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है। सो थीटा हमने मान लिया, ठीक है, थीटा हमने क्या मान लिया, एंगल, ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या माना हमने, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माना है, ओके, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। चलिए
तो हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, फॉर्मूला ये होता है हाइट का हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आप इसके लिए थ्योरी वाले पार्ट्स ज़रूर देखिएगा, हो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला हमारा, ठीक है, तब आपको ये समझ आ जाएगा। तो एच हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 25, यू कितना है 40 का स्केयर, साइन स्केयर थीटा इज नॉट गिवन, 2:2, एन जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, तो हमारा साइन थीटा को हम इधर लेके आएंगे, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पहले साइन थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट भी साथ साथ लग जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 40 इंटू 40, और इसका क्या हो जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो उसको छोड़ देंगे। तो 220, ठीक है, 58 जा 40, 55 जा 25, 54 जा 20, ओके। और ये कट जाएगा 22 जा 4, 24 जा 8, 29 जा 18, तो हमारे पास आ गया है 4.9/16 की 1/2। अब इसको हम तो ये हमारा आया 0.306, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे सोल्व भी नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, जैसे 7 7 जा 49 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये किसका क्या, ये किसका हो जाएगा 7, क्लियर, और ये हो जाएगा 4। लेकिन हम ये देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट दे रखा है तो 4.9 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.7 लिखेंगे, क्लियर, 0.7। तो हमारा साइन थीटा इसका रूट करने कटने के बाद बिकॉज सेरिंग में लिख देंगे ना, तो 0.7/4 आ जाएगा, और 0.7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7 इज डिवाइडेड बाय 4, देन वी आर गेटिंग 0.175, 0.175, ये हमारे आ गया। तो अगर हम लॉग टेबल का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.175, तो यहाँ से हमारा एंगल लॉग टेबल का यूज़ करते हुए एंगल हमारा आएगा, क्योंकि इसकी हमारे पास प्रॉपर तो वैल्यू होती नहीं है तो हमें लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ता है, तो थीटा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लॉग टेबल यूज नहीं करनी आती तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको ये सिखा दूँगी अच्छे से कि हम लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं और कैसे उनकी वैल्यूज देखते हैं। चलिए अब इसमें आगे हम इसको आर निकालने के लिए सोल्व करते हैं। हाँ जी, अब हम आर निकालेंगे तो आर हो जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी, ठीक है, स्केयर नहीं आएगा, साइन टू थीटा है ये, क्लियर। तो अब यहाँ पे इनके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो 40 × 14 इंटू साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 33.6 अपॉन आ जाएगा जी 9.8। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 1600 इंटू ये आपका आ जाएगा साइन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 7 3 2 जा 6, साइन 67 पॉइंट, और नीचे रहेगा आपका 9.8, ठीक है। और इसको हम लॉग टेबल की हेल्प से सोल्व करेंगे, देन वी आर गेटिंग 1600 इंटू 0.9219 अपॉन 9.8। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर गेटिंग 14.7.04 डिवाइडेड बाय 9.8। इसको हम 9.8 से डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग 150.5 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द रेंज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल, ये सारे अपने प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्वेश्चन हैं कि क्रिकेटर है बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फेंक रहा है, ठीक है, डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है विद द सेम स्पीड, हाउ हाई ए अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, उसी स्पीड का यूज करते हुए वो कितनी दूर एक बॉल को ऊंचा फेंक सकता है। चलिए बेटा इसको भी हम सोल्व करते हैं, तो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि इस तरीके से वो एक बॉल को फेंक रहा है, तो ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी है, तो हम इसको ये कह सकते हैं ये अगर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा वी साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा वी कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूछ रहा है और ये उसकी क्या है मैक्सिमम हाइट है,
तो कितना हाइट यूज़ करेगा। तो बेटा हमने मान लिया कि यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, यू इसने हमने क्या माना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से वो उसको फेंक रहा है, ठीक है। और जो बॉल है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है। तो थीटा यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्टाइल की हम मानते हैं 45 डिग्री बेस्ट स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, ओके। तो हमारा ये जब थीटा 45 होता है तब हमारा आर क्या होता है, मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, तब हमारा आर क्या होता है, मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ यू स्केयर अपॉन जी, ठीक है। तो यू कैन से दैट यू स्केयर अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ ये डिस्टेंस हमें मैक्सिमम दे रखी है, ये जो आर मैक्सिमम हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 100 मीटर। तो आर मैक्सिमम के इक्वल है तो ये अपना हो जाएगा 100 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू स्टडी द मोशन ऑफ द बॉल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग हमें इसका क्या करना है, मोशन को स्टडी करना है। तो हमने एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसको हमने एज ए ओरिजन कंसिडर करा, ठीक है। एंड द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए अगर आप अपना ये बनाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, तो ऊपर वाला को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाई कंसिडर करेंगे। तो मोशन आप बॉल का कंसिडर करते हुए, अब देखिए हमारा जो ये है यू वाई, तो हमारा यहाँ पे देखिए यू वाई वर्टिकल कॉम्पोनेंट मैंने आपको बताया है, इसको मैंने यू माना। तो जब ऊपर जाती है तो नेगेटिव, तो हमारा एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस थ्री, क्योंकि नीचे आते टाइम एक्सीलेशन हेल्प करेगा। और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, बिकॉज जब बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो एक टाइम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, बॉल रेस्ट में आ जाएगी, फिर दोबारा से मूव करेगी। तो वाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है बेटा जी। तो वी नो दैट द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो हम अगर y कॉम्पोनेंट के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। ये y वाला है हमारा, सो इसको हम जो y वाला वर्टिकल कॉम्पोनेंट है जीरो है, यू वाई इज यू प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी और इंटू में टी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। तो ये क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम वाई की वाई को लिखेंगे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप देखिए, वाई इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लिया, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, डिस्टेंस हमें निकालनी है। सो वाई ये तो हमारा ओरिजिन है तो ये तो जीरो हो जाएगा, यू वाई कितना दे रखा है, यू, और टी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी लिखाई थी, यू अपॉन जी प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस जी, ठीक है। और टी की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, क्या हो जाएगा, यू स्केयर अपॉन जी स्केयर का होल स्केयर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने डायरेक्ट स्केयरिंग कर दिया, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा यू स्केयर अपॉन जी माइनस हाफ जी यू स्केयर अपॉन जी स्केयर, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, वन यू बाई जी कॉमन ले लेते हैं, या वन बाई टू यू जी कॉमन ले लें, चलिए वन बाई टू यू बाय जी कॉमन ले लेते हैं। तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा, यू बाई जी बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, टू यू माइनस वन बाई टू भी बाहर आ गया, यू बाई जी, एक मिनट, इसका एक तो जी तो कैंसिल ही हो रहा है यहाँ से, तो यू बाई जी तो हमने बाहर ले लिया पूरा, तो ये भी अपना क्या बचेगा, यू बचेगा, तो आपका आ जाएगा हाफ यू बाई जी इंटू यू, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका हाफ यू स्केयर अपॉन जी, ठीक है। ये हम y निकाल रहे हैं, और अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने निकाली थी हाफ यू स्केयर बाई जी की वैल्यू, हम क्या कर देंगे इसको, यू स्केयर बाई जी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। बेटा देखो u बाई जी हमने 100 निकाला था, यू स्केयर बाई जी, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50, तो y आ गया 50 मीटर, ठीक है बेटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन, इट स्टोन टाइड टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग,
ठीक है, स्टोन को स्ट्रिंग से टाइट करके उसको घुमाया जाता है ओरिजेंटल सर्कल में। ये द स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन। अगर वो 14 बार घूमता है 25 सेकेंड, तो आपको उसका एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो बेटा इसको आप कुछ ऐसे समझो, मान लो ये कोई बच्चा है, ठीक है, और ये एक सर्कल को ऐसे घुमा रहा है पकड़ के एक स्टोन के साथ। तो देखिए बेटा आर यहाँ पे कितना है, 80 सेंटीमीटर है, जिसको हम 0.8 मीटर बोलेंगे। रिवॉल्यूशन कितना है, 14/20 पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2π μ, ठीक है। तो 2 × 22/7 × आपका हो जाएगा 14/25, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, 7 × 2 = 40, वो तो कुछ कट नहीं रहा है, 28/25 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। अब सेंट्रिपेटल एक्सीलेशन निकालना है हमें, क्या होता है आपका ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आर है, तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे बेटा जी। ओमेगा हमने अभी निकाला था 88 × 25, और आर आपका कितना है बेटा, 0.80, कुछ कट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग 6195.2, और इसको हम डिवाइड करेंगे 625 से। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 9.91, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलेरेशन की यही यूनिट होती है। तो दिस इज द रिक्वायर रिलेशन। सो डायरेक्शन होगी जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन की, वो होगी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इज अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के अलोंग होगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू।